अभी मैं तुहाडे नाल जसमीत सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस दे विच जो गिरफ्तारियां होईयां ने उन्हां नूं लै के राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान दे वल्लों एक बहुत वड्डा बयान दिता गया। राजा वड़िंग दा कहना है कि जिहड़ियां गिरफ्तारियां होईयां ने, जिहड़े मुलजम फड़े गए ने, सारे नकली ने। मतलब गिरफ्तारियां नकली ने, नकली मुलजम फड़े गए ने। राजा वड़िंग संगरूर दे विच चोन प्रचार लिए आए सी, जिमनी चोन प्रचार है, लोग सभा हल्के लिए इत्थे होनी है, 23 जून नूं वोटां पैणियां ने। कांग्रेसी कैंडीडेट दलवीर सिंह गोल्डी लई चोन प्रचार करन आए सी, ते इसे दौरान जदों पत्रकारां ने पुछया कि सिद्धू मूसेवाले दी मौत नूं लैके जो कार्रवाई हुण तक हुई है कि उसदे नाल राजा वड़िंग सैटिस्फाई ने, तां राजा वड़िंग दा कहना सी कि हले तक इंसाफ नहीं मिलिया, ते जिहड़ियां गिरफ्तारियां होईयां ने उह सारे मुलजम नकली ने, असली मुलजम ने जिहड़े पुलिस दी गिरफ्त तों बाहर ने। राजा वड़िंग दा मतलब यह है कि नकली मुलजम फड़े गए ने। 29 मई नूं शामी 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाले दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। हुण तक इस मामले दे विच 8 शार्प शूटरां दी गिरफ्तारी हुई है, 9वें दी अज कीती गई है। इन्हां गिरफ्तारियां तो बाद राजा वड़िंग दा हुण बयान आउंदा है कि नकली गिरफ्तारियां ने ते हले तक इंसाफ परिवार नूं नहीं मिलिया। सिद्धू मूसेवाले दा 29 मई नूं कतल कर दिता गया सी, पिंड जवारके विखे गोलियां मार के 19 जख्म मूसेवाले दे पिंडे ते सी, 7 गोलियां वज्जियां सी, छाती ते गोली वज्जन दे नाल मूसेवाले दी जान चली गई सी। लगातार परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ की मांग नूं लैके देश के गृह मंत्री अमित शाह नूं भी मूसेवाले के माता पिता मिले सी। लगातार मूसेवाले के फैन भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस पूरे कतलकांड की जिम्मेवारी है जिहड़ी बिश्नोई गैंग दे वल्लों लई गई सी। लारेंस बिश्नोई तो पुछगिछ दिल्ली दे स्पैशल सैल दे वल्लों की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस दे SSP मानसा दा कहना सी कि प्रोडक्शन वारंट ते लियांदा जाएगा, पर हाले तक पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट ते नहीं लिया सकी है लारेंस बिश्नोई नूं। तां हुण पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान राजा वड़िंग दा कहना है कि नकली मुलजम फड़े गए ने। बठिंडा तों कई मुलजम सी, हरकमल सिंह राणू की गिरफ्तारी हुई है, रूपा बठिंडे तो है, इसका भी नाम शक्की मुलजमान दे विच सी। 8 मुलजमान की सूची है जिहड़ी पुलिस दे वल्लों जारी की गई सी, इन्हां दीआं तस्वीरां जारी कीतियां गईआं सी। इस तों इलावा एक होर व्यक्ति केशव, उसनूं भी बठिंडा तो ही दस्सिया जा रहा है। यह जिहड़ा बठिंडे वाला हरकमल है, यह भी उस सूची दे विच शामिल सी। अज एक गिरफ्तारी किया जा रहा है कि होर हुई है, जबकि राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान कह रहे हैं कि सारे नकली मुलजम फड़े गए ने। असली मुलजम मतलब कि असली मुलजमान तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। राजा वड़िंग दे वल्लों एक बहुत वड्डा बयान दिता गया है जो पंजाब पुलिस की कारगुजारी ते पंजाब सरकार की कारगुजारी ते सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पंजाब सरकार दे वल्लों एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई गई सी, पर हथ पल्ले हले तक कुछ भी वधेरे नहीं पिया। मूसेवाले दे परिवार दे वल्लों CBI इंटरफेरेंस की मांग की गई सी, CBI जांच की मांग की गई सी। तां केंद्र सरकार दे वल्लों कहा गया सी कि साडे वल्लों कोई ना नहीं है, पंजाब सरकार सानू कहे असी CBI जांच देंगे, क्योंकि पंजाब दे विच ये कायदा लागू किया गया कि पंजाब सरकार की मंजूरी तो बिना CBI जांच नहीं कर सकती, इंटरवीन नहीं कर सकती। हालांकि पंजाब सरकार दे वल्लों इस दे बारे कोई बयान जारी नहीं किया गया कि CBI जांच करवाई जाऊगी या नहीं करवाई जाऊगी, पर मूसेवाले दे परिवार नूं तद यह जरूर आख्या गया सी कि CBI जांच करवाई जाऊगी। पर एक अदालत सिटिंग जज की जांच की मांग भी मूसेवाले दे परिवार दे वल्लों की गई सी, जिसनूं अदालत ने मना कर दिता सी। CBI जांच नहीं हो रही, हाले तक सही मुलजमान नूं पुलिस फड़ नहीं पाई है। कहा जा रहा है कि हुण जिहड़े मुलजम फड़े गए ने उह सारे नकली मुलजम ने, अजिहा कहना है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग दा। की कुछ कह रहे ने राजा वड़िंग, सुन लो। मूसेवाला साहब का कतल हुंदा जी, कार्रवाई कर रही है पंजाब सरकार, किवें लगदा वड़िंग साहब, किवें देखदे हो कार्रवाई? तक तां कोई लगदा जो बलकौर सिंह जी ने उन्होंने पिता ने चिट्ठी लिखी सी, लगदा कोई मिलिया नहीं, पर लगदा है कि उम्मीद है कि कुछ करे सरकार। पर जिहड़े आरोपी पकड़े जा रहे हैं जी, उस जिहड़े नकली आरोपी। मूसेवाला साहब का कतल हुंदा जी, कार्रवाई कर रही है पंजाब सरकार, किवें लगदा वड़िंग साहब, किवें देखदे हो कार्रवाई? तक तां कोई लगदा जो बलकौर सिंह जी ने उन्होंने पिता ने चिट्ठी लिखी सी, लगदा कोई मिलिया नहीं, पर लगदा है कि
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਆਰੋਪੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਣੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ